श्री 108 मेरे आपा पूज्य राष्ट्रदाता गजी महाराज के चरणों में सहस्त्र नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 अजीत सागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्र नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 विनर्म सागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्र नमोस्तु। पूज्यवर श्री 108 निस्वार सागर महाराज जी के चरणों में सहस्त्र नमोस्तु। एलभ जी थुल्लभ जी को इच्छा में महाराज जी कुंडलपुर में बड़ा भव्य आयोजन हुआ और आप सभी मुनिराजों के जो भाव थे उसके अनुरूप आपने वरिष्ठ निर्यापक मुनिराज समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर स्थापित किया। एक इतना अनुपम दृश्य था, पूरे संसार ने उसे देखा और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संग इतना अक्षुण है, इतना विशाल है, इतना अनुपम, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया। आपने कुंडलपुर से बिहार किया, आचार्य समय सागर जी महाराज की परिक्रमा की, उनके दर्शन किए। उसके बाद कल एक व्हाट्सएप पूरे हिंदुस्तान में चला रहा है कोई व्यक्ति, और वो यह प्रस्तुत कर रहा है कि आपने और कुछ मुनिराजों ने अपने प्रवचन में, अपने कार्यक्रम में आचार्य समय सागर जी महाराज की वंदना या नमोस्तु नहीं की है। ये क्या विषय है, क्यों इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रांति से क्या सिद्ध होने जा रहा है? सारी जनता ने देखा है कि आपने बड़े महाराज को कितने महान तरीके से, कितने भव्य तरीके से आचार पद पर उनका आरोहण किया है, उसके बाद इस तरीके की चर्चा होती है, तो ये मेरे मन की जिज्ञासा है, इसे आप दूर करें। नमोस्तु। पहली बात तो समय सागर महाराज जी हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पूजनीय होता है, उनकी जयकार के संबंध में है तो मैं 3 बार जयकार बोले देता हूँ। पहले बोलो आचार्य समय सागर महाराज जी की, बोलो आचार्य समय सागर महाराज जी की, बोलो आचार्य समय सागर महाराज जी की। अब जिन्होंने निकाला है थोड़ा डामर लेकर उनका मुंह काला करके आओ और गधे पे बैठा के जरूर निकालो रे भारत के लोगों, जो सैनियों के बीच में, संघों के बीच में, जहां तक बात रही कल हम लोगों का, ऐसा कोई मुझे ही मालूम नहीं था कि अभिप्राय कुछ नहीं था, सहज रूप में जैसा अभी तक बोलते आए वैसा बोलते रहे, और ऐसा कोई हम सब निर्यापकों में कोई ऐसी नीति निर्धारण नहीं हुआ था कि प्रवचन के पहले अपन को क्या जय बोलना है, जैसा चल रहा था वैसा चलता है, सहज, ना नकारात्मक भाव था और ना सकारात्मक था, कोई भाव ही नहीं था, जो एक सहज भाव था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ी विशेषता, विनम्र सागर जी मेरी एक विशेषता है कि सारे दुश्मन मुझे बहुत ज्ञानी मानते हैं, इसलिए मेरे प्रवचन को बड़े गौर से सुनते हैं और सारे दुश्मनों को मैं मूर्ख मानता हूं कि उनकी बात मैं कभी देखता भी नहीं हूं, सुनता भी नहीं हूं। लेकिन कल मुझे मुझे तो कोई पता ही नहीं था, कल शाम को भी थोड़ी चर्चा आई थी, ऐसी अनर्गल बातें, कोई बताते है कोई सागर की औरत है, कोई बताते एक वो व्यक्ति है जो 3 बार साधु बनकर भ्रष्ट हो गया, ऐसे अनर्गल लोगों के माध्यम से यदि संघ और समाज चलेगी तो हमारी साधु संगति की तो बहुत श्रमण संस्कृति का नाश हो जाएगा। हम साधुओं, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे साधुओं के बीच में जब भी कोई ग्रस्त या वस्त्रधारी आएगा वो नियम से नाश करेगा। हम साधुओं की, आप सबने सारे भारत में देखा कितना पवित्र आचार्य पदारोहण किया, विश्व में पहली बार हुआ है, और हमारे और हमारा संघ है, हमारा संघ अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। हमारे में जो आदर्शताएं, एक दूसरे के आदर्श हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारे गुरु ने जो हमसे छोटे बड़ों का सम्मान सिखाया है आज गुरु के अभाव में भी कायम है, और कायम क्या, जीवन के अंतिम श्वास तक कायम रहेगा। लेकिन इन ग्रस्तों के, इन कुत्ते कुत्तियों के कहने पर मैं जय बोलने वाला नहीं हूं, जय अंदर हृदय से बोली जाती है, अंदर चेतना से बोली जाती है, संघ की परंपरा से बोली जाती है। हम निर्यापक करेंगे, हमारे निर्यापक के समय ज्येष्ठ निर्यापक योग सागर जी महाराज हैं, समय सागर जी आचार्य बन गए,
इसलिए सबसे बड़े कौन हो गए निर्यापक? योग सागर। हम योग सागर से परामर्श करेंगे, योग सागर हमें आदेश देंगे, निर्देश देंगे, ये बात तो बनती है। हमारा योग सागर महाराज कहते हमारे महाराज जी आपने जय क्यों नहीं बोली, आपको बोलना चाहिए। तो मैं तुरंत कहता आई एम सॉरी प्लीज, आपने कहा नहीं। मैं इन कुत्ते कुत्तियों से डरने वाले नहीं, कह दो इन कुत्ते कुत्तियों से कि मुझे इनके काटने से रेवेंज नहीं होता है, और ये कई बार मुझे काट चुके हैं। इन कुत्ते कुत्तियों का यही काम है। एक छोटी सी बात पहले मेरे से आके पूछते कि महाराज किस बात के कारण क्या हुआ। तुम लोगों का एक ही काम है कि जब भी किसी साधु की चर्या में कोई भी अंतर तुम्हें अच्छा ना लगे तो जो उनके संघ के नायक हैं उन तक आपको सूचना देने के बाद आपका कार्य खत्म। जैसे आप लोग कोई भी झगड़ा होता है तो आप FIR थाने में लिखा देते, कोर्ट में चले जाते, फिर उसके बाद निर्णय किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में तो नहीं, तुम्हारे हाथ में कोर्ट तक जाने का निर्णय है। इसी प्रकार सारे भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी साधु संत के हो उनका कोर्ट और न्यायालय होते हैं उनके मुखिया नायक, वहां तक जाकर के आप अपनी FIR दर्ज करा दीजिए, सूचना दे दीजिए, निर्णय करना उनके हाथ में है, तुम कोई निर्णायक नहीं होते हो। ये बहुत ज्यादा इनका समाज, ये कुत्ते कुत्तियों का सारे भारत की समाज से कहना है कि इनको कुत्ते कुत्तियों का मुंह बंद करो, अन्यथा मुझे कुछ शस्त्र उठाना पड़ेगा, मुझे कुछ शास्त्र उठाना पड़ेगा, मुझे कुछ आवाज उठाना पड़ेगा, तो शायद वो कानी हौज के रूप बना ले। पिंजड़ा पोल होते ना, पिंजड़ा पोल, हाँ पिंजड़ा पोल की स्थिति में होना है। सारे भारत की जनता से मेरा कहना है इस प्रकार के संघों की आवाज उठाने वाले इन कुत्ते कुत्तियों के लिए बेल्ट लगाओ, पट्टा डालो, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छोटी छोटी बातों का माहौल बना देते, छोटी छोटी बातों को सारी दुनिया में फैला देते, और ये बहुत बड़ा क्राइम अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। समाज को चेतना चाहिए ऐसा क्यों उड़ाया उन्होंने। और दूसरी बात उसमें लिखते हैं हम बहिष्कार करना चाहिए, समाज बहिष्कार करेगी साधुओं का, जिस दिन होने लग जाएगा उसी दिन श्रमण संस्कृति खत्म हो जाएगी। साधु जब बोलता है तो बोलते हो कि भाषा से बोलना चाहिए, और ग्रस्त साधुओं को कुछ भी बोलता जाए इस पर आपके कान पर जुआ नहीं रखता। किन भाषा में आज तुम्हारे लिए बोल दूं मैं कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, तो कहते साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एक ग्रस्त, एक वस्त्रधारी साधुओं के संबंध में ऐसा बोले, इसके संबंध में समाज चुप बैठ जाए तो ये समाज कायर है। और बड़ी मुनि भक्त समाज बनने को बैठी है। सागर समाज से मेरा कहना है, यदि ये सागर समाज से आवाज उठाई है तो सागर समाज वाले चेतो, ऐसे कुत्ते कुत्तियों के लिए पट्टे लगाओ सागर वालों, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि सागर में आकर के ही मुझे इस बार का शंखनाद और आगाज करना पड़े। और इस समय फिर समाज मुझे समाज के ऐसे कार्यों के लिए मुझे बुलाने और नहीं बुलाने की कोई सवाल नहीं उठता। तुम नहीं बुलाओगे तो क्या मेरा बिहार रुक जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं। फिर ऐसों के लिए तो मैं समंत्र भद बन जाता हूं। और समंत्र भद महाराज नगर के बाहर आगाज करते थे, डंका बजाते थे, इस प्रकार की स्थितियां। तो इस प्रकार के संबंध में आपने जो प्रश्न किया, सारे भारत के लिए आपके लिए निवेदन है, इस प्रकार के संबंध में आगाज लगाएं, और सागर समाज हमारी थी, है और रहेगी। एकाध कुत्ते कुत्तियां पैदा हो जाने से समाज बदनाम नहीं हो जाती, समाज को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इतनी बढ़िया समाज है सागर समाज की, और हमारे और ये हमारे संघ में फूट डालना चाहते हैं। यदि आगे ये आवाज उठी तो मैं नाम लेकर के आगाज करूंगा कि ये कौन है और फिर इसके लिए क्या होगा, इसका तो परिणाम देख लीजिए। इसलिए आप सारी समाज से चेतना है कि हमारे संघ के संबंध में आप लोग निर्णय न करें, आप लोग कोई भी सोच न करें। जो कुछ भी तुम्हें हमारे संघ में जाते हैं बात करना है, हमारे जो संघ के उपसंघ हैं, उपसंघ में यदि आपको लो अंतिम निर्देश दे रहा हूं, उपसंघ में यदि तुम्हें कोई तकलीफ है तो जो उपसंघ का नायक है उसको सूचना दे दीजिए, आप बरी हो गए। और यदि उपसंघ से आपको शिकायत है तो हमारे मूल संघ के जो नायक हैं, निर्यापक गण हैं, आचार्य समय सागर महाराज हैं, वहां तक आप सूचना दे दीजिए, वहां पर FIR दर्ज। उसके बाद आपका कोई कर्तव्य नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई भी आप निर्णय करने के अधिकारी नहीं।
आज समाज साधु को हमारा अखंड समाज आज तोड़ने को बैठे। पूज्य गुरुदेव थे तब तक तो हम लोगों को डर नहीं था, लेकिन आज जिस ढंग से तुम लोग बंटवारा कर रहे हो, हमारे संघ में लोगों ने बंटवारा कर दिए, इन्हीं कुत्ते कुत्तियों ने बंटवारा कर दिए, ये ग्रुप स्वयं सागर का है, ये गुरुयोग सागर का है, ये महाराज ये हारिकाएं सुधा सागर की है, ये हारिकाएं आदि सागर की है, ये महाराज ब्रह्म सागर के हैं, ये भेद आप शावकों ने करना शुरू कर दिए। हम इन महाराज को मानेंगे, हम इन हारिकाओं को मानेंगे, हम इन ब्रह्मचारियों को मानेंगे, ये हमारे संघ में भेद शुरू कर रहे हैं कुत्ते कुत्तियां। सावधान, बहुत बड़ा आगाज हमने भरत को कर दिया। अब दोबारा बोलूंगा तो उसका क्या हश्र होगा मैं नहीं कहता हूं, आज वार्निंग है। बोलो आचार्य समय सागर महाराज की जय जय जय। अगली जिज्ञासा के लिए श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अस्सा क्षेत्र टिकटौली अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी जी, ओम प्रकाश जी जैन एंड समस्त कमेटी, अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने रखें। और ये भी ध्यान रखना, कल तो मैं अनायास ही चूक गया था जब बोला नहीं, आज मैंने चलाकर नहीं बोली, ये भी ध्यान रखना, आज मैंने चलाकर नहीं बोली, नहीं तो ये कुत्ते कुत्तियां चिल्लाएंगे कि देखा मैंने एक बार सिर्फ निकाला और इनके लिए बोलना पड़ा। अभी मैं इनके कहने पर बोलने वाला नहीं हूं, जिस दिन मेरी अंतरात्मा बोलेगी उस दिन बोलूंगा। बाकी जय बोलने में 100 बार बोलवा दीजिए, प्रवचन के पहले बोलना कि नहीं बोलना हम निर्यापक गण निश्चित करेंगे, हमारे योग सागर महाराज निर्णय करेंगे, हम सब बैठ करके इस बात पर विचार करेंगे। आपको ये दरकार करने की जरूरत नहीं, तुम वो बिना पैंदी के लोटा हो, जिस दिन तुम्हारी बिगड़ जाएगी उसी दिन हमारे आचार्य समय सागर की आप बुराई करते पाए जाओगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बिना पैंदी के लोटा हो। जहां उल्लू सिद्ध होता है वहां जय जय गुरुदेव, और जहां उल्लू सिद्ध ना हो गए वहां फिर आप क्या करते हो वो आप देख ही रहे हो। सावधान सावधान सावधान।